हाँ सांख्य और विज्ञान दोनों सब कार्यवादी है, तो जो कारण है कार्य में निहित है, तो परिणामवाद में और विवर्तवाद में कैसे सामंजस्य बैठेगा? सांख्यवादियों का जो सत्कार्यवाद है वो क्या है? जो दिखने वाला या होने वाला कार्य है या हुआ परिणाम है, वह अपने कारण में उत्पत्ति के पहले भी बीज रूप से विद्यमान रहता है, इसका नाम क्या है? सत्कार्यवाद। कारकव्य व्यापार के द्वारा अपने कारण में सूक्ष्म रूप से अव्यक्त रूप से विद्यमान जो कार्य होता है वो प्रकट हो जाता है, इसी का नाम सांख्योक्त सत्कार्यवाद है। और न्यायिक मानते हैं, वैशेषिक मानते हैं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का सर्वथा अभाव होता है। कारकव व्यापार के द्वारा जो कार्य कारण में था ही नहीं, कारण से उसकी उत्पत्ति हो जाती है, तब फिर सांख्यवादी कहते हैं अमुक कार्य की निष्पत्ति के लिए अमुक कार्य का चयन, अमुक कारण का चयन क्यों किया जाए? फिर तो शर्करा सिकता बालू, सिकता बालू रेत से भी तेल प्राप्त करने का मार्ग निकाला जा सकता है, किसी से किसी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन तिल सरसों आदि का ही चयन व्यक्ति क्यों करता है अगर पहले से ही उसमें सूक्ष्म रूप में तेल की विद्यमानता न हो? कारकव्य व्यापार माने वो सामग्री और चेष्टा जिसके योग से कारण में सन्निहित कार्य जो सूक्ष्म रूप में रहता है वो व्यक्त हो जाता है, उसका नाम कारकव्य व्यापार है। कारकव्य व्यापार से अव्यक्त जो कार्य होता है वो व्यक्त हो जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, गीता का दूसरा अध्याय। अब सांख्य और वेदांत उभय सम्मत यह वचन है भगवान का, यावत् संजायते किंचित सत्वम सावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधि भर्तर सभा, तेरहवा अध्याय। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणां चैव विधि प्रकृति संभवान, तेरहवा अध्याय। ये सब जो वचन हैं वेदांतियों को भी मान्य है, सांख्यों को भी मान्य है, और अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, इसी को आधुनिक वैज्ञानिक मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड कहकर बोलते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कोई भी पदार्थ ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नॉर डिस्ट्रॉयड किसी भी पदार्थ का निरन्वय निरवधिक परिपूर्ण नाश नहीं होता। एक तस्तरी में थाली में कपूर रखा, उसको जलाया, अब कोई कह सकता है कि कपूर का सर्वतोभावे नाश हो गया, लेकिन प्रयोगशाला में गैस आदि का संकलन किया जाए और धब्बा देखा जाए काला सा, गोरे कपूर से निकल आया काला धब्बा, तो मालूम पड़ेगा कि कपूर का रूपांतर तो हो गया, रूपांतरण हुआ, सर्वथा नाश नहीं हुआ।
इसके आधार पर सत्कार्यवाद को वेदांति सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से प्रारंभिक चरण में मानते हैं, बाद में वह मध्य में अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं और अंत में फिर सत्कार्यवाद मानते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम आदि श्रुतियों के अनुसार सदुपादानक सत को चरम उपादान विवर्तोपादान मान लेते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर निरुक्ति विपत्ति बदल जाती है। सत्य ही वेदांतियों के यहाँ उपादान कारण है, उससे अनिर्वचनीय जगत की उत्पत्ति होती है और उसकी शक्ति जो माया है वो भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय भी दो ढंग से निरूपित होते हैं, आकाश क्या है शब्द गुण वाला है और निश्चल है। निश्चल शब्द गुण संपन्न आकाश से चंचल, निश्चल स्पर्श गुण रहित आकाश से चंचल स्पर्श गुण युक्त वायु की उत्पत्ति हो जाती और रूप रहित वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति हो जाती है। द्रवता रहित रस रहित तेज से आग से रसयुक्त द्रवता युक्त जल की उत्पत्ति हो जाती है। निर्गंध जल से और द्रवता युक्त जल से ठोस और गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है या अनिर्वचनीय उत्पत्ति। यहाँ बुद्धि का काम करना कठिन है। एक अनिर्वचनीय का अर्थ यह होता है, दूसरा अर्थ होता है न तो कूटस्थ सत्य ब्रह्म के समान सत्य, न बंध्या पुत्र के समान असत्य। किसी को न सत कहते बने न असत कहते बने तब उसका नाम अनिर्वचनीय। के सब कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। तो वेदांतियों का सत्कार्यवाद आरंभिक है, बीच में अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है, अंत में सत्कार्यवाद का अर्थ होता है जगत सत्स्वरूप परमात्मा का विवर्त है। और कोई प्रश्न? हाँ आप रह गए।